मरु नगरी बीकानेर के मथेरन चौक पर इन दिनों गणगौर का बाजार सज चुका है। यहां अलग अलग परिधानों में गणगौर और ईसर की दुकानें सजी हुई हैं। वहीं गणगौर पूजन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीकानेर के घर घर में गणगौर और ईसर की पूजा की जाती है। इसी के चलते बीकानेर शहर के मथेरन चौक को संपूर्ण राजस्थानी पोशाकों में सजाया गया है। इसी मथेरन चौक में एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने लिया गणगौर पूजन की तैयारियों का जायजा। मरु नगरी बीकानेर में गणगौर का त्योहार बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है और होली के तुरंत बाद से ही गणगौर की बिक्री सजावट सभी को शुरू हो जाती है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के मथेरन चौक के अंदर, जहां पर तमाम दुकानें हैं जो कि जहां पर गणगौर सजी हुई आपको नजर आएगी, देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं गणगौर की एक शॉप पर, जहाँ दिखाते हैं हम आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम में सजी हुई गणगौर। देख सकते हैं आप, अलग अलग ड्रेसेस है, जहाँ पगड़ी है आपको देखिए, अलग अलग तरह के जो कपड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बड़े ईश्वर है और गणगौर है, अलग अलग रूप है, छोटे रूप भी है देख सकते हैं। ये भी देखिए, छोटी से छोटी गणगौर भी उपलब्ध है, हर तरह के यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करेंगे क्या नाम है आपका? मैं उषा, मेरा नाम उषा सुराणा। उषा जी, क्या 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 इस बार तैयार किए गए हैं? गणगौर का मतलब पिछले साल से बहुत ज्यादा आगे प्रोसेस हुआ है। पहले नॉर्मल गहने कपड़े मिलते थे, तो आजकल हमने गणगौर माता की है जो दुल्हन लहंगा भी कलेक्शन किया है, इनके मटेरियल चेंज किए हैं और ज्यादा अच्छा कलेक्शन दिया है मटेरियल में, जैसे बरी है और रखड़ियां हैं, ये सब चीज है ना, सब डायमंड में हमने किया है। पगड़ी भी अलग अलग तरह की है, फेंटे हैं अलग अलग। बीकानेर में कितने दिन पूजा की जाती है? बीकानेर में ये होलिका दहन के दूसरे दिन से गणगौर जी की, ईसर जी की पूजा चालू होती है, जो की गवर की तीज तक चलती है। वैसे 12 मास की और बिना गवर भी होती है। देखिए आप भी कपड़े क्या पहना रही हैं, सजा रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं इनको कपड़े सजा के पहना के तैयार कर रही हूँ। तैयार कर रही है? हाँ जी। कितनी गणगौर अभी सुबह से तक? 10-20 कर लेते हैं। तो ये क्या अभी इस बार महंगी, इस बार अगर बात करें तो महंगी कितनी है, सस्ती कितनी है? महंगी में कुछ नहीं हुआ है साहब, आपकी बात तो। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बीकानेर के मथेरन चौक में है हम लोग मौजूद। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लगभग 4-4.5 फीट की ये हाइट के गणगौर और ईशर है। और यहाँ तक हम बात करें, जिस वक्त अभी हम लोग जहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पे गणगौर और ईशर के कपड़े मिलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े हैं, हर रेट में यहाँ पर कपड़े उपलब्ध है, सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निशा जैन है। निशा, ये बताओ कि क्या क्या रेट में उपलब्ध है? हर रेट में कपड़े वैरायटी उपलब्ध है, और जो जोड़े की ड्रेसे हैं वो 400 रूपए कम से कम रेट। कहाँ से बनवाते हो आप लोग? हम लोग खुद बनवाते हैं, हमने टेलर रख रखा है, हम लोग खुद कपड़ा लेके आते हैं। इस बार क्या क्रेज है लोगों का? क्रेज तो ये है कि 2 साल मार्केट बंद था, तो कुछ कस्टमर आ नहीं पाए, कुछ बाहर नहीं निकलते, कुछ ये वो, तो इस बार ज्यादा कस्टमर है। इस बार ज्यादा कस्टमर है, तो क्या क्या कहते हैं लोग? लोग यही कहते हैं, बराबर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मथेरन चौक में जबरदस्त एक तरह से गणगौर का बाजार यहाँ पर सजा हुआ है। दुनिया भर की गणगौर है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है, अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग रेट्स में। कपड़ों की बात करें चाहे ज्वेलरी की बात करें, सभी कुछ उपलब्ध है। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।